कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए अभी एक महीने से भी कम समय हुआ और उतने ही दिनों में कांग्रेस ने अपना हिंदू विरोधी चेहरा देश भर के सामने लाकर रख दिया। सिद्धार्थ मैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले सरकार द्वारा लाए गए कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम को रद्द करने का फैसला करके लोगों पर अपना हिंदू विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य में छात्रों को पहले ही वितरित की जा चुकी स्कूल पाठ्य पुस्तकों में कई बड़े बदलाव किए हैं और अब अपने ही मुंह मियां मिट्टू बनने का काम शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 5 मुफ्त के अपने चुनावी वादों को पूरी तरह से विफल करने और नाराज लोगों की प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद सार्वजनिक मंचों पर बहस को भटकाने के लिए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को उठाकर ध्यान भटकाने की रणनीति अपना ली है। कैबिनेट की बैठक के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता मिशन मंत्री मधु बंगरप्पा ने मीडिया को बताया कि नई कांग्रेस सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी आरएसएस संस्थापक हेगड़ेवार पर सबक वीर सावरकर और हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सुलिबेले द्वारा लिखे गए एक लेख को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया जाएगा और उन्हें बीआर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के पाठों से बदल दिया जाएगा। अब बता दें कि यह दावा करते हुए कि यह पिछली बसवराज बोम्मई सरकार द्वारा की गई पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण को साफ करने का एक प्रयास था। बंगरप्पा ने कहा कि चूंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया था और करोड़ों बच्चों को पाठ्य पुस्तक पहले ही वितरित की जा चुकी थी, इसलिए सरकार 15 पृष्ठ पूरक भेजेगी। पुस्तिकाओं में अगले 15 दिनों में शिक्षकों के परिवर्तन शामिल है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगले पखवाड़े में पाठ्य पुस्तकों के समग्र सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जो अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। वहीं सिद्धार्थ मैया सरकार द्वारा लिया गया एक अधिक कठोर निर्णय स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों की लॉबी के आगे झुकना। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करना था जो 2022 की शुरुआत में लागू हुआ था। कर्नाटक ने कई अन्य राज्यों का अनुसरण किया था। सरकारें जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को समाप्त करने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए थे। हालांकि संविधान स्वयं जबरन धर्मांतरण या प्रलोभन की पेशकश पर रोक लगाता है। कई ईसाई और मुस्लिम संगठन कानूनों में खामियों का फायदा उठाते हैं, उत्पीड़ित वर्गों के बीच धर्मांतरण में शामिल थे। कर्नाटक के कानून ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी रूपांतरण पर रोक लगाने के संरक्षण के लिए प्रदान किया ऐसे प्रावधान जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले अवैध धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने जैसे दंडात्मक प्रावधानों से डरते थे। कानून में यह भी प्रावधान है कि जिन लोगों को अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया गया था उन्हें मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना होगा और सामूहिक धर्मांतरण के संबंध में आरोपियों को 1 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के इच्छुक व्यक्तियों को न्यायिक अदालत या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 महीने पहले एक निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा करनी होती है और किसी को आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसे सार्वजनिक नोटिस में लाया जाएगा। कानून ने कहा कि शादी से पहले या बाद में जबरन धर्मांतरण को प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर पारिवारिक अदालत या अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती और संज्ञेय था। लोगों को 5 गारंटी देकर सत्ता में आने और उन्हें आधे अधूरे तरीके से लागू करने की कोशिश करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया अब धीरे धीरे बहुसंख्यक हिंदुओं की कीमत पर अल्पसंख्यकों को खुश करने के कांग्रेस के एजेंडे का खुलासा कर रहे हैं। कई तिमाहियों से विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बसवराज यतनलाल ने कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग है और यह स्पष्ट था कि सिद्धार्थ मैया सरकार धर्मांतरण माफिया के प्रभाव में है। कांग्रेस का अब तुष्टिकरण क्या स्वीकार है, यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापिस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक,
उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। भ्रष्टाचारियों को और बाहरी शक्तियों के साथ, भारत के विरोधी शक्तियों के साथ जो लोग तालमेल करके राजनीति में चल रहे हैं, ऐसे लोगों को तो राजनीति छोड़ ही देनी। विश्व के कई देशों में धर्मांतरण विरोधी कानून है। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। पाकिस्तान में जहां जबरन धर्म परिवर्तन के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं, वहां सबसे कठोर कानून है। पाकिस्तान में 18 वर्ष से कम उम्र के लोग अपना धर्म नहीं बदल सकते। इसके अलावा पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण पर 5 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। नेपाल में भी कुछ यही हाल है। नेपाल में जबरन धर्मांतरण पर 6 साल तक की सजा, म्यांमार में 2 साल और श्रीलंका में 7 साल तक की सजा हो सकती है। भूटान के कानून में सजा का उल्लेख नहीं है, किंतु यहाँ भी जबरन धर्मांतरण कानून विरुद्ध है। ऐसे में यह विचारणीय है कि घोषित तौर पर इस्लामिक बौद्ध राष्ट्रों में जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कानून है, किंतु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक सम्मत कानून नहीं है। और जिन राज्यों में कानून है, वहां भी कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उन्हें या तो कमजोर कर रही है अथवा उन्हें निरस्त करना चाहती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोहब्बत से नफरत को हराने की बात करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत की आड़ में जो धोखाधड़ी और साजिशें होती हैं, उस पर वो और उनकी पार्टी चुप रहती है। कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक और क्रिश्चियन समर्थन का कर्ज उतारने के लिए भले ही सिद्धारमैया जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा देने जा रहे हैं, लेकिन इसका असर केवल कर्नाटक तक नहीं रहेगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में धर्मांतरण से मोहब्बत पर सवाल जरूर उठेंगे। देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुइज्म को बचाव कैसे करती है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सॉफ्ट हिंदुइज्म का कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद पूरे कर्नाटक का इस्लामीकरण करने के लिए तत्पर है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी कर्नाटक जैसे एक हिस्से में आकर कर्नाटक में हिंदू विरोधी कानून बनाता है, वो पार्टी 70 से 75 सालों तक जब भारत में था, तो क्या उसने भारत के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया होगा? कर्नाटक में ये मामला कांग्रेस के असली चेहरे को जनता के सामने लाकर सबके सामने पेश कर रहा है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।